हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस साल भी जो एडमिशन आपके होंगे वो आपका एंट्रेंस बेस के तहत ही होंगे। अगर आप बीए, बीकॉम या ग्रेजुएशन किसी रेगुलर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया या जेएनयू हो गया, जामिया हो गया या आपका बीएचयू हो गया, तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो कि एनटीए के द्वारा कराया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक एग्ज़ाम कराया जाता है जिसका नाम है सीयूटी। तो सीयूटी यूजी जो अंडर ग्रेजुएट के जो एप्लीकेशन जो फॉर्म थे उनकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी ये जो लास्ट डेट थी वो ख़त्म हो रही थी, ये एटलीस्ट मुझे लगता है आज ये ख़त्म हो गई थी लास्ट डेट, बट इसकी जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसकी जानकारी ऑफिशियली अनाउंस की गई है एनटीए की वेबसाइट पे कि जो सीयूटी यूजी का जो फॉर्म है, अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, तो आप अब 31 मार्च तक इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यानी 31 मार्च तक का आपके पास टाइम है, रात 9 बजे तक आप इसका फॉर्म जो है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट या जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इस लिंक पे जाके आप सीयूटी यूजी का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और आप ग्रेजुएशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अपीयर हो सकते हैं। क्योंकि एंट्रेंस आपको निकालना होगा, उसके बाद कॉलेज की काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपकी कट ऑफ आएगी, देन उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये उन सभी स्टूडेंट को करना है जो अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं या जिनके हो चुके हैं, वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे भी आपकी 12th की कोई डिटेल नहीं लगेगी, सिर्फ आपकी 10th की डिटेल लगेगी, बाकी 12th की डिटेल आपसे मांगी जाएगी जब आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो अभी आपको एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस अगर आपका निकलता है तो उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो सीयूटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसको 31 मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। थैंक यू सो मच।